ओके बच्चों, तो आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस, दैट इज एल्केन टू एरोमेटिक कंपाउंड। बच्चों ये बुकलेट है जो वैसे तो ऑफलाइन में पूरी बुकलेट है बच्चों को दी गई है, और ऑनलाइन में इसको पीडीएफ के फॉर्म में डलवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, राइट। जब आप ये पढ़ेंगे तो साथ में बुकलेट आपके पास होनी चाहिए, ओके। हम लोग का बेटा पहला टॉपिक है एल्केन। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा, और ये बात आप क्या करेंगे, जहां पे हेडिंग पढ़ी है एल्केन उसके लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। क्या सुनना बेटा, एक कॉमन सेंस की पहले बात सुन लो फिर लिखिएगा। देखिए हम लोग बच्चों जो अपनी ऑर्गेनिक है वो कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, एल्केन, फिर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों एल्कीन, फिर पढ़ते हैं हम लोग एल्काइन, फिर पढ़ते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड, फिर हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल, फिर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड, और फिर बच्चों हम लोग पढ़ते हैं एसिड और इट्स डेरिवेटिव, ठीक। कुछ इस प्रकार से हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो बच्चों मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जब एल्केन से आगे की तरफ जाते हैं तो ये बेटा कहलाता है ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट। कहने का बेटा मतलब ये है कि अगर पहले वालों का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको बाद वाले प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। जैसे एल्केन का ऑक्सीडेशन कराओगे एल्कोहल प्राप्त होगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होगा, और उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड प्राप्त होगा। तो पहले से बाद वाले अगर प्राप्त करने हैं तो हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन। आपको बताना चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन कराने के दो तरीके हैं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ऑफकोर्स ऑक्सीडेशन किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में ही करवाया जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछें राइट टू लेफ्ट जाना हो तो हम लोग क्या कराएंगे, रिडक्शन। ये बच्चों कहलाती है रिडक्टिव प्रोडक्ट, रिक कहलाएंगे रिडक्टिव प्रोडक्ट। और रिडक्शन कराने के दो तरीके, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। जब भी हम लोग रिडक्शन कराएंगे किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराएंगे। मतलब बेटा अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आगे जाओगे, एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, एसिड मिलेगा, लेकिन एल्कोहल का रिडक्शन कराओगे तो पीछे आओगे, एल्केन प्राप्त होगा। ये एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। एल्केन से आगे जाना है तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और आगे से एल्केन की तरफ आना है तो रिडक्शन करवाएंगे। तो पहले वाले पेज में बेटा आप लोग ये लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लो। लिख लो इसको, एल्केन से आगे जाना है तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और आगे वालों से एल्केन की तरफ आना है तो रिडक्शन कराना पड़ता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, समय हमने आपको दे दिया है, फिर भी कम लग रहा हो तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। इसको कहां पे लिखोगे, जहां से एल्केन चालू है उसके लेफ्ट वाले पेज में आप ये कैक्रम लिखोगे, ओके। अच्छा अब हम लोग ये बेसिक बात पढ़ने के बाद अपने टॉपिक को चालू करने जा रहे हैं, और आज का पहला लेक्चर बच्चों हमारा किसका है, एल्केन का, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, आइए पहला बड़े पॉइंट लिखा है C1 to C4 आर गैस, C15 to C17 आर लिक्विड,
और C18 टू हायर आर सॉलिड। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन तो एम्स में पूछा भी गया था। C1 से C4 तक के जो एल्केन होते हैं ये बेटा गैसियस होते हैं, और ये क्वेश्चन बेटा एम्स में पूछा गया था। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये बेटा होंगे गैसियस। पेंटेन से लेकर हेप्टाडेकेन C17 तक होंगे लिक्विड, और C18 से हायर तक के जो एल्केन होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एल्केन आर नॉन पोलर। ये बात आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ी थी कि एल्केन जो होते हैं उन पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, मतलब ये नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए बच्चों ये केमिकली इनर्ट होते हैं। देखो बेटा, यूजली हमारे पास जो रिएजेंट होते हैं वो या तो इलेक्ट्रोफाइल होता है या फिर न्यूक्लियोफाइल होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे माइनस हो, माइनस तो है ही नहीं, अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे प्लस हो, प्लस भी नहीं है तो ये भी अटैक नहीं करेंगे। इसलिए जो एल्केन्स होते हैं यूजली इन पर कोई भी अटैक नहीं करता, इसीलिए बच्चों दे आर इनर्ट, और इनर्ट होने के कारण ही हम लोग बेटा इनको कहते हैं पैराफीन। बोलो क्या कहते हैं? पैराफीन। नॉन पोलर होते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। नॉन पोलर में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बिल्कुल सही बात है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं क्योंकि वंडरवॉल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। तो एल्केन नॉन पोलर होते हैं, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, केमिकली इनर्ट होते हैं, वंडरवॉल फोर्स इनके मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं। सबसे पहले आपकी कॉपी पर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है। ओके, देखिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों से दो बातों पर डिपेंड करता है, एक मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा साइड फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट दो बातों पर डिपेंड करता है, एक मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा साइड फोर्सेस। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको आपकी कॉपी के एग्जांपल दिए, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन बेटा मान लो अगर हम आपको कोई आइसोमेरिक एल्केन दें, जैसे मान लीजिए हमने पेंटेन के तीन आइसोमर आपको बनाकर दिए, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है, अब देखो बेटा मॉलिक्यूलर वेट तो तीनों का सेम होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से काम नहीं चल पाएगा। अब क्या करें? आप देखिए जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे ब्रांचिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। नॉर्मल पेंटेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आप देखिए जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल का जो आपस में इंटरेक्शन है वो भी कम होता जाएगा। यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन होगा ज्यादा, वंडरवॉल फोर्स होगा ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा। जैसे जैसे ब्रांचिंग करते जा रहे, ये देखिए सरफेस एरिया वैसे वैसे क्या होता जा रहा? कम होता जा रहा। मुट्ठी बन गई, सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। वंडरवॉल फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी
वैसे वैसे सरफेस एरिया घटेगा और वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला कि बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो ब्रांचिंग के इन्वर्सली रिलेटेड है। ब्रांचिंग आप जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं सरफेस एरिया कम होता जाएगा, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वंडरवॉल फोर्स कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, लिख लीजिए, लिखा हुआ तो सब कुछ है, जो कुछ भी आपको लग रहा हो, जैसे मैंने ये लाइन खींची आप भी लाइन खींचिए, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। तो आफ्टर बेटा बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा साइड फोर्सेस। ब्रांचिंग बढ़ती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, साइड फोर्स कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, राइट। अच्छा, अगर इसके बाद हम लोग बात करें दूसरे की, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। देखिए बेटा, बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है, दैट इज सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। मॉलिक्यूल जितना सिमेट्रिकली अरेंज होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। हमारे मेल्टिंग पॉइंट को साइड फोर्सेस या मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा मतलब नहीं होता, इसको सिमेट्रिकल अरेंजमेंट से ज्यादा मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वही एग्जाम्पल ले ले जो भी ऊपर लिए थे, C4H10, C5H12 और C6H14। देखिए बेटा, आपको मालूम होना चाहिए एल्केन जो होते हैं वो जिगजैग फैशन में होते हैं, 2, 3, 4। ये ब्यूटेन है बच्चों, पेंटेन, 2, 3, 4, 5। और हेक्सेन क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब यहां ध्यान से देखना। देखिए, भले लेफ्ट टू राइट जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा हो, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट को मतलब होता है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट से। समझिएगा मेरी बात। देखिए, जो एवन वाले जितने भी एल्केन होते हैं, इनका एक टर्मिनल अगर नीचे की तरफ है तो दूसरा टर्मिनल जो है वो ऊपर की तरफ है। कहने का मतलब ये बैलेंस है, जितना नीचे की तरफ जा रहा उतना ही ऊपर की तरफ जा रहा। इवन वालों में ऐसा ही होता है। ऑड वाले के दोनों जो छोर होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ भागा जा रहा है। इसलिए बेटा, ये जो इवन वाले होते हैं ये ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, ऑड वाले जो होते हैं ये अनसिमेट्रिकल होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, इवन वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑड वाले से बच्चों ज्यादा होता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये सिमेट्रिकल इवन वाला है और ये अनसिमेट्रिकल ऑड वाला है, तो इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ऑड वाले से ज्यादा होगा। इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ऑड वाले से ज्यादा होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। जबकि अभी आपने इसके ऊपर देखा था बॉइलिंग पॉइंट में, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा था, बॉइलिंग पॉइंट कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। मेल्टिंग पॉइंट में बेटा ऐसा नहीं होता, इवन वाले ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं ऑड वालों से, इसलिए इवन वालों का मेल्टिंग पॉइंट ऑड वालों के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। तो ये तो बेटा पहला एग्जाम्पल हुआ जब मॉलिकुलर फार्मूला अलग अलग थे। अब मान लो बेटा, मान लो हम आपको अगला एग्जाम्पल दे दें आइसोमर्स का। जैसे मान लीजिए C5H12 मैंने आपको दिया, जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट में दिया था, ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है,
और इसका जो तीसरा आइसोमर बनेगा दैट इज नियोपेंटेन। अब देखिए बेटा, अब यहां पर फिर वही बात आ गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, धन्य सब लोग। बॉइलिंग पॉइंट में आपने देखा ब्रांचिंग बनने से सरफेस एरिया कम हुआ, साइड फोर्सेस कम हुए, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट देखिए ऐसा नहीं है। जैसे जैसे बच्चों देखिए ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आप देखिए मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जा रहा है। और आप बताइए इस धरती पर स्फेयर से ज्यादा सिमिट्रिकल कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं, स्फेयर इज द मोस्ट सिमिट्रिकल जो है पार्टिकल होता है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रांचिंग बढ़ने से सिमिट्रिकल अरेंजमेंट बढ़ता जा रहा है, और सिमिट्रिकल अरेंजमेंट अगर बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बच्चों बढ़ता जाए। मतलब आपने नोटिस किया जहां बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इन्वर्सली वेरी कर रहा था, वही मेल्टिंग पॉइंट ब्रांचिंग के डायरेक्टली वेरी कर रहा है। ओके बेटा, तो दिस इज अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। आप इसको लिखिए, लिखा सब कुछ है, जो चीज भी नया लिखी हो उसको आपको लिखना है। जैसे मैंने इसको गोले में बंद किया तो आपको भी गोले में बंद करना है, ठीक है? तो आप लोगों ने आज हमसे देखा, जब तक आप लिख रहे हैं, एल्केन से एसिड डेरिवेटिव की तरफ जाने पर हमें ऑक्सीडेशन कराना होता है, और एसिड डेरिवेटिव से एल्केन की तरफ जाने पर हमें रिडक्शन कराना होता है। एल्केन बच्चों नॉन पोलर होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, वंडरवॉल फोर्स इनमें पाया जाता है, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा नहीं था। इवन वालों का मेल्टिंग पॉइंट ऑड वालों से ज्यादा होता है। आइसोमर में बात करें, ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ब्रांचिंग बढ़ेगी सिमिट्रिकल अरेंजमेंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बच्चों बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पहला पेज खत्म किया। अब बेटा हम लोग आगे जा रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको हटाएंगे बच्चों, देखिए इसको हटाना चाहेंगे, हम लोग बात करेंगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सबसे पहले मतलब समझिए क्या होता है। अभी भी मैंने बताया कि हम लोग कुछ इस प्रकार से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक? ओके, अब सुन ले बेटा, हमें एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने थे। देखिए क्या कहते हैं, हम एल्कीन और एल्काइन से इसको बनाएंगे, एल्किल हैलाइड से इसको बनाएंगे, एल्कोहल से इसको बनाएंगे, कार्बोनिल से इसको बनाएंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड से इसको बनाएं। जैसे ही आप सबसे बना लोगे, हम कहेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गए, खत्म हो गए। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा हम लोग एल्केन बनाने जा रहे हैं दूसरे फंक्शन ग्रुप से, तो जाहिर सी बात है आप आगे वालों से पीछे आ रहे हो, मतलब आप ऐसे चल रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको कराना क्या पड़ेगा, रिडक्शन। चाहे आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाओ तो भी रिडक्शन कराएंगे, अभी मैंने पढ़ाया। एल्केलाइड से बनाओ, एल्कोहल से बनाओ, कार्बोनिल से बनाओ, या एसिड से बनाओ, किसी से भी आप एल्केन अगर बनाएंगे तो बच्चों आपको कराना पड़ेगा रिडक्शन, आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ये देखिए सब लोग, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग बनाएंगे, ध्यान सब लोग, ये मान लीजिए हमारे पास कोई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन या फिर एल्काइन। अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर इसको आपको एल्केन में बदलना है तो आपको इन पाई बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। हाँ,
हम लोग पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी फ्री हुआ और उस फ्री वैलेंसी में हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, ठीक है। एक एच इधर, एक एच इधर, और ये देखो बच्चों एल्केन प्राप्त हो गया। आपने अगर एल्काइल लिया है तो वन बाय वन बॉन्ड ब्रेक होंगे, पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक एच इधर, एक एच इधर, आपको बेटा एल्कीन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा रिएक्शन नॉट स्टॉप, रिएक्शन बेटा स्टॉप नहीं होगी, इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, फिर से पाई बॉन्ड कटेगा, एक एच इधर, एक एच इधर, और आपको एल्केन प्राप्त हो जाए। अच्छा अब बेटा ये जो हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं ना, ये किसी ना किसी मेटल कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं। जैसे आप निकिल ले लीजिए, पैलेडियम ले लीजिए या प्लेटिनम ले लीजिए। ये ट्रांजिशन मेटल क्या करती हैं, हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कर लेती हैं, उसे कहते हैं हम ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, और फिर वो एड्जॉर्ब हाइड्रोजन वन बाय वन इन दोनों कार्बनों के पास चला जाता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड डबल और देन सिंगल में रिड्यूस हो जाता है। चूंकि बेटा ये हाइड्रोजन का एडिशन मेटल कैटलिस्ट की उपस्थिति में हो रहा है, इसीलिए बच्चों इसे हम लोग कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और कैटालिटिक का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और इसी का एक नाम और है सबातियर सैंडरेंस रिडक्शन। ओके जस्ट अ मिनट, बाद में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा सबातियर सैंडरेंस रिडक्शन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन तब तक चलता रहता है जब तक सारे की पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस ना हो जाए। आप एल्कीन को आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक। अब सुनना एक बच्चों एनसीईआरटी का पॉइंट, ध्यान दीजिए सब लोग, पैलेडियम या प्लेटिनम का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये हाइड्रोजिनेशन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। लेकिन बेटा अगर हम लोग निकिल का इस्तेमाल करेंगे तो हमें हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि निकिल के केस में भी हाई टेम्परेचर ना लेना पड़े तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रैने निकिल का। ओके तो रैने निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनमें रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी, और निकिल का प्रयोग अगर करेंगे तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। तो दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन सबातियर सैंडरेंस रिडक्शन। ओके आपकी कॉपी में प्लेटिनम और पैलेडियम में 200 डिग्री लिख गया है, उस 200 डिग्री को यहां से काट दीजिएगा और रैने निकिल के ऊपर और करके लिख दीजिएगा निकिल ऑब्लिक 200 डिग्री सेल्सियस, ये लिखना है आपको। ओके तो उम्मीद करते हैं आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाना सीखें। सारे पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। अब इसी के लिए एक सवाल आपको करना है, आपकी कॉपी में दिया गया ये वाला, ओके जल्दी बताइए कौन सा पाई बॉन्ड टूटेगा, एक टूटेंगे या दोनों? बेटा दोनों टूटेंगे, सारे पाई बॉन्ड तोड़ेंगे एक एक एच बांट देंगे, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे एक एक एच बांट देंगे, और इस प्रकार से देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएगा और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आपको प्राप्त होगा, ठीक है। कुछ बातें लिखी है, पहली बात तो वही लिखी है, इसे हम लोग हाइड्रोजिनेशन ऑब्लिक सबातियर सैंडरेंस रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन के पहले लिख लीजिएगा कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन।
अदर ट्रांजिशन मेटल कैन बी यूज लाइक पैलेडियम, हम पहले बता चुके हैं आपको बेटा। यहां पर जब प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं तो PTO2 के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, और इसे बच्चों हम लोग कहते हैं एडम्स कैटालिस्ट। यह भी हाइड्रोजनेशन कराएगा, पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कराएगा, इसे एडम्स कैटालिस्ट कहते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजिनस कैटालिसिस। बिल्कुल बेटा, देखिए होमोजिनस कैटालिसिस का मतलब है जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का स्टेट सेम हो, दोनों गैस हो या दोनों लिक्विड हो। ठीक है, अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का स्टेट सेम नहीं है, जैसे रिएक्टेंट हो जाए गैस, कैटलिस्ट हो जाए सॉलिड, दिस इज द केस ऑफ हेट्रोजिनस कैटालिसिस। आप देखिए सबातियर सेंड्रेज रिडक्शन में देखिए हाइड्रोजन जो कि रिएक्टेंट है कहीं ना कहीं गैस है, एल्केन एल्कीन भी अगर छोटे ले लेते हैं तो वो भी गैस होते हैं, लेकिन ये कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड। इसलिए सबातियर सेंड्रेज रिडक्शन इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजिनस कैटालिसिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विल्किंसन कैटलिस्ट ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड को कहते हैं, दिस इज ए होमोजिनस कैटलिस्ट। हां बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन के तीनों एच हटाकर तीन फिनाइल लगा दिए, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मोनोडेंटेड लीगेंड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। इसका बच्चों हम रोडियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तीन ले लेंगे ये, एक ले लेंगे सीएल, इसे हम लोग कहते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। और ये बेटा होमोजिनस कैटलिस्ट होता है क्योंकि इसका स्टेट होता है गैस। तो विल्किंसन कैटलिस्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये एक होमोजिनस कैटलिस्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, अगला बेटा पॉइंट, वेजिटेबल ऑयल। बच्चों जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये लिक्विड होते हैं क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं। जब हम लोग बच्चों इनका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो ये सारे के सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाते हैं और वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में। ऑयल लिक्विड है, घी आपने देखा होगा रोटी के ऊपर लगा के खाते हैं, सेमी सॉलिड होता है। तो एक लिक्विड चीज सेमी सॉलिड चीज या सॉलिड चीज में बदल रही है, इसीलिए इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। बच्चों बोलो क्या कहते हैं, हार्डनिंग ऑफ ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल को कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन सबातियर सेंड्रेज रिडक्शन के द्वारा आप वेजिटेबल घी में बदल सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट बेटा लिखा हुआ है कि रेनी निकिल बनाते कैसे हैं। देखिए निकिल एल्यूमिनियम एलॉय, निकिल एल्यूमिनियम एलॉय को हम NaOH में डिसॉल्व करते हैं। बच्चों आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में हमसे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड जब पढ़ाएंगे SRP ब्लॉक में तो वहां पर भी बताएंगे। एल्यूमिनियम जो होता है वो NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंटेट। एलिमेंटेट के फॉर्म में एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो जाता है और बर्तन में हमें मिलता है फाइनली डिवाइडेड निकिल। इस फाइनली डिवाइडेड जो चूरा के फॉर्म में निकिल मिलता है बच्चों, इसी चूरे वाले निकिल को कहते हैं हम लोग रेनी निकिल। जब रेनी निकिल का आप इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, जस्ट लाइक टू पैलेडियम और प्लैटिनम। ओके, तो आप लोगों ने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से
एल्केन बनाना सीखा वाया रिडक्शन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन साबातियर सेंडरेंस रिडक्शन वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। तब तक रिएक्शन चलेगी जब तक सारे के पाई बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। ओके नेक्स्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बना लिया, अब किससे बनाएंगे? एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाएंगे। कराना अभी भी बच्चों क्या पड़ेगा? रिडक्शन ही बच्चों कराना पड़ेगा। तो दूसरी हेडिंग पड़ी है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। सुनना बेटा, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने के हमने तीन तरीके बताए, वाया ग्रिग्नोल रिएजेंट, वाया डायरेक्ट रिडक्शन और वाया कपलिंग रिएक्शन। तीन मेथड है एल्किल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस करने के। हम पहले पढ़ने जा रहे हैं वाया ग्रिग्नोर्ड रिएजेंट। देखिए बेटा, इसमें क्या होगा, हम लोग एल्किल हैलाइड को सर्वप्रथम मैग्नीशियम से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यह मैग्नीशियम कार्बन और हेलोजन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा और हमें RMGX मिलेगा। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं ग्रिग्नोर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नोर्ड रिएजेंट में आप ध्यान से अगर देखें तो एल्किल ग्रुप मैग्नीशियम से जुड़ा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा तो कार्बन के ऊपर बच्चों चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो जितने भी ग्रिग्नोर्ड रिएजेंट होते हैं ध्यान रखिएगा दे आर द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल आर माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ग्रिग्नोर्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी कंस से कराते हैं। कंस, कंस का मतलब आप जानते हैं सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हो अमोनिया ले लो, कंस इसके पास है, वाटर ले लो कंस इसके पास है, एल्कोहल ले लो कंस इसके पास है, एसिटिलीन ले लो कंस इसके पास है। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कंस होता है मतलब उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये प्लस और ये माइनस। क्या होगा देखिए, ग्रिग्नोर्ड रिएजेंट का आर माइनस बेस है और कंस के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, इस कंस वाले हाइड्रोजन को पकड़कर अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एल्केन। ये देखिए, तो एल्किल हैलाइड को हमने एल्केन में रिड्यूस कर दिया। सबसे विशेष बात देखिए कि यहां पे एल्किल हैलाइड के पास जितने कार्बन्स हैं, एल्केन के पास भी बच्चों देखिए उतने ही कार्बन्स हैं। ओके, तो एल्किल हैलाइड को एल्केन में बदला वाया ग्रिग्नोर्ड रिएजेंट रिएक्शन विद कंस। कंस का मतलब है जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। जो भी आपको लगता हो लिखने योग्य है आप उसको लिख लीजिए, जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया गया है करके दिखाइएगा वीडियो को पॉज करके। CH2Br लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और दूसरा लिखा हुआ है वाटर। ठीक है, अब देखिए, देखिए आप पहली बार पढ़ ले तो आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले ये इससे रिएक्शन करेगा, कुछ बनाएगा और जो वो कुछ बनेगा वो फर्दर वाटर से रिएक्शन करके अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज करके इसको बनाया होगा। ये मैग्नीशियम कार्बन और हेलोजन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा बच्चों, और ये देखिए ग्रिग्नोर्ड रिएजेंट बनेगा। अब सेकेंड स्टेप में आपने ग्रिग्नोर्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर से कराई है और वाटर के पास क्या होता है बच्चों, कंस। ये देखिए
एसिडिक हाइड्रोजन है और गिगनोड रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल या बेस। तो ये R माइनस इस H प्लस को लेकर एल्केन के रूप में अलग हो जाएगा। ये देखिए आपका प्रोडक्ट बन गया टोलुइन। ओके बेटा, तो एल्किल हैलाइड से हमें एल्केन बनाना था। पहला तरीका है वाया ग्रिगनोड रिएजेंट। हमने एल्किल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमें ग्रिगनोड रिएजेंट मिला जिसकी रिएक्शन हमने कंस से कराई और हमको एल्केन मिला। एक एग्जांपल करा दिया तो ये मेथड आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाया रिडक्शन। अब हम लोग एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाएंगे डायरेक्ट रिडक्शन के द्वारा। अभी तो ग्रिगनोड से होते हुए बनाया, अब हम लोग डायरेक्ट करवाएंगे इसका रिडक्शन। तो इसको हटाना चाहेंगे बच्चों, जो लिखने वाली चीज है वो लिख लीजिएगा। बताइए, हटा दे बच्चों इसको। ठीक है, देखिए दूसरा बेटा है वाया डायरेक्ट रिडक्शन। पहले वाले में रिडक्शन तो हुआ ग्रिगनोड से होते हुए कराया, अब हम लोग कराएंगे एल्किल हैलाइड का डायरेक्ट रिडक्शन। इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का डायरेक्ट रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सारे ले सकते हैं, जिंक प्लस एसिड ले सकते हैं, जिंक प्लस NaOH ले सकते हैं, जिंक कॉपर कपल प्लस एल्कोहल ले सकते हैं, LiAlH4 ले सकते हैं और NaBH4 ले सकते हैं। आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। सिंपल बॉन्ड कटेगा, एक एक H बटेगा और सेम कार्बन का एल्केन प्राप्त होगा। ये देखिए जितने कार्बन आपके एल्किल हैलाइड के पास हैं उतने ही कार्बन एल्केन के पास भी हैं। एक कार्बन का एल्किल हैलाइड होगा तो एक कार्बन का एल्केन मीथेन बनेगा, दो कार्बन का एल्किल हैलाइड होगा दो कार्बन का एल्केन इथेन बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, जिंक प्लस एसिड का मतलब है HCl ले लो, H2SO4 ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले सकते हो। तो इनमें से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का आप इस्तेमाल करेंगे तो एल्किल हैलाइड सेम कार्बन के एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए यहां पे बच्चों दो बात याद रखनी होगी। बात नंबर वन, LiAlH4 प्रॉब्लम विद टर्सरी। अगर ये एल्किल हैलाइड प्राइमरी या सेकेंडरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये एल्किल हैलाइड बच्चों टर्सरी होता है तो LiAlH4 टर्सरी एल्किल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस नहीं करेगा बल्कि हेयर डी हाइड्रो हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस। जब तक एल्किल हैलाइड प्राइमरी या सेकेंडरी है LiAlH4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टर्सरी होने पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाता है। हमने आपकी कॉपी में ये पॉइंट भी नीचे लिखकर दिया है, नोट डलवाकर ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, आप इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को अगर डालेंगे आप देखिए ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है। फंक्शनल ग्रुप अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, अल्फा से हैलोजन बीटा से हाइड्रोजन निकल गया और बीच में एक पाई बॉन्ड आ गया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज प्रॉब्लम विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड।
ठीक सुना बेटा, प्रॉब्लम बच्चों NaBH4 के साथ भी है, बड़ी निराली प्रॉब्लम है। जब LiLH4 टर्शियरी के साथ प्रॉब्लम करता है, वही NaBH4 प्रॉब्लम विद प्राइमरी, मतलब LiLH4 टर्शियरी को एल्केन में रिड्यूस नहीं कर पाता है और NaBH4 प्राइमरी एल्किल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो बच्चों ये आपको याद होना चाहिए, रिडक्शन तो कोई बात नहीं, आराम से समझ में आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट आपको तैयार होने चाहिए। जहां बैठे हो वहां बोलो जिंक प्लस एसिड, जिंक प्लस NaOH, जिंक कॉपर कपल प्लस एल्कोहल, LiLH4 और NaBH4। LiLH4 में टर्शियरी के साथ प्रॉब्लम है और NaBH4 में प्राइमरी के साथ प्रॉब्लम है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं LAH और इसको शॉर्ट में बोलते हैं SBH, ठीक है। तो दूसरा तरीका भी हो गया वाया डायरेक्ट रिडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा तरीका है वाया कपलिंग रिएक्शन। देखिए बेटा, बेटा कपलिंग का मतलब ही होता है दो लोगों का जुड़ना, मतलब यहां पर जो रिएक्टेंट होगा उसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और एल्केन को बनाएंगे। वेरी सिंपल, अगर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे इसका मतलब एल्केन में कार्बनों की संख्या जस्ट डबल हो जाएगी, इसीलिए इनको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। तीन है बच्चों, वुड रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन और कोरे हाउस सिंथेसिस। चूंकि रिएक्टेंट में अगर एन कार्बन है तो प्रोडक्ट में जस्ट डबल कार्बन हो जाते हैं, इसीलिए कपलिंग रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं फॉर एसेंडिंग द सीरीज। एसेंडिंग द सीरीज का मतलब होता है प्रोडक्ट में कार्बनों की संख्या बढ़ाने के लिए हम कपलिंग रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए कपलिंग रिएक्शन में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन देखिए कैसे कराएंगे, वुड्स रिएक्शन कैसे पहचानेंगे। देखिए जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम मेटल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसे बच्चों हम लोग कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? कपलिंग। कपलिंग में क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, आपस में रिएक्शन करेंगे ट्वाइस NaX अलग हो गया और RR ने अपने दोनों हाथों को मिला लिया और एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो एल्किल हैलाइड के पास अगर कार्बनों की संख्या N है तो एल्केन के पास कार्बनों की संख्या 2N होगी। This reaction is called Wood's reaction when alkyl halide reacted with sodium in presence of dry ether. तो दो alkyl halide आपस में कपुल करते हैं इस प्रकार से और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जहां पर हेडिंग पड़ी है Wood's reaction, उसके आगे जगह खाली पड़ी है, उस खाली जगह में आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, CH4 cannot be प्रिपेयर, बिल्कुल सही बात। अगर सबसे छोटा एल्किल हैलाइड भी आप लोगे तो ये लोगे, और जब इसका तुम लोग बच्चों वुड्स रिएक्शन कराओगे तो जब इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कपुल करेंगे तो आप खुद बताइए क्या बनेगा, इथेन बनेगा। सबसे छोटा एल्किल हैलाइड लेने के बाद भी आपको इथेन मिल रहा है, मतलब इस मेथड से हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड आर फॉर्म, आप देखिए जब वुड्स रिएक्शन हुआ तो नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ध्यान रखिएगा
वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड नॉट गिव वुड्स रिएक्शन। हाँ बच्चों, टर्शियरी एल्किल हैलाइड जो होता है ये वुड्स रिएक्शन शो नहीं करता है। मतलब टर्शियरी एल्किल हैलाइड में अगर आप सोडियम डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो नो डायमर प्रोडक्ट, कोई भी डायमर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड द रीजन इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई तीन बल्कि ग्रुप इसके पास लगे और इसके दूसरे मॉलिक्यूल के पास भी तीन बल्कि ग्रुप होंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, नो डाइमर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फॉर असेंडिंग द सीरीज मैं आपको बता ही चुका हूं। नेक्स्ट बच्चों, यहां पे अगला पॉइंट है फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड में रिएक्टिविटी ऑर्डर। याद रखिएगा अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आयोडाइड और सबसे कम रिएक्टिव होगा फ्लोराइड। वुड्स रिएक्शन के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं आयोडाइड और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं फ्लोराइड। नेक्स्ट, ओनली सिमेट्रिकल एल्केन हैविंग इवन कार्बन कैन प्रिपेयर। हां बच्चों ध्यान दो, सब लोग जरा ध्यान दो। देखो बेटा, भाई तुमने बर्तन में एल्किल हैलाइड डाला, सोडियम डाला, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तुमने रिएक्शन कराई, यही तो वो रिएक्शन। क्या हुआ? इसी के दो मॉलिक्यूल, बर्तन में तो लाखों मॉलिक्यूल पड़े होंगे, इसी के दो मॉलिक्यूल में इस प्रकार से कपलिंग हो गई और आर आर ने अपना हाथ मिला लिया। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये जो एल्केन बना होगा ये सिमेट्रिकल एल्केन ही तो होगा। क्यों सिमेट्रिकल एल्केन होगा? सीधी सी बात है, आर आर ने जब हाथ मिलाया तो जो एल्केन बना होगा अगर आप इसको 20 से काटोगे तो ये दो बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। सो दिस इज सिमेट्रिकल एल्केन। दूसरा पॉइंट, हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे। क्यों? वेरी सिंपल, एल्किल हैलाइड में अगर एक कार्बन है तो एक और एक दो, एल्केन के पास दो कार्बन इवन नंबर। एल्किल हैलाइड में दो कार्बन है तो दो और दो चार, एल्केन के पास चार कार्बन इवन नंबर। एल्किल हैलाइड में तीन कार्बन है, तीन और तीन छह, एल्केन में छह कार्बन इवन नंबर। कहने का बड़ा मतलब यह हुआ कि एल्किल हैलाइड के पास कितने भी कार्बन हो, इवन में हो या ऑड में हो, एल्केन के पास हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन ही होंगे। इवन नंबर ऑफ कार्बन ही होंगे, मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन हम वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते, प्रोपेन नहीं बना सकते, पेंटेन नहीं बना सकते, हेप्टेन नहीं बना सकते। क्यों? जब एक ही मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से कपल करता है तो जस्ट डबल नंबर का एल्केन प्राप्त होता है जो सिमेट्रिकल होगा, 20 से काटने पे दो बराबर भागों में बट जाएगा, हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। ओके, अच्छा सुनना, ध्यान से सुनना, सब देखेंगे। अगर बच्चों कोई आपसे कहे, लिखने वाली तो कोई बात है नहीं, सब आपकी कॉपी पे लिखा है, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया था, ध्यान दो। अगर कोई आपसे कहे कि सर क्या हम लोग इससे अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते, तो मैंने कहा भाई नहीं बना सकते। बच्चे ने कहा अगर आप ऐसा करें तो क्या होगा, R1X ले ले और R2X ले ले और सोडियम लेकर ईथर की प्रेजेंस में सर इसका वुड रिएक्शन कराए, हमने कराओ। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, एक मॉलिक्यूल इसका ले लिया, एक मॉलिक्यूल इसका ले लिया और इसके आर को इसके आर के साथ जोड़ दिया और बोला ये देखिए सर
हमने अनसिमिट्रिकल एल्केन बना दिया। तो मेरा उस बच्चे से कहना है बेटा, जिस बर्तन में आपने इसको और इसको डाला है उसमें इसके अरबों की संख्या में मॉलिक्यूल होंगे और इसके भी अरबों की संख्या में मॉलिक्यूल होंगे। एक मोल भी लोगे अगर तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे। तो इसके भी कई सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं और इसके भी कई सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं। तुमने अनसिमिट्रिकल बनाने के लिए डिफरेंट एल्किल हैलाइड के एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया और बोला कि अनसिमिट्रिकल बन गया। तो ये भी तो बच्चों चांस है कि इसी के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर ये बना दे। और ये भी चांस है कि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर ये बना दे। मतलब बच्चों, हम लोग जब भी अनसिमिट्रिकल एल्केन बनाने का प्रयास करते हैं और डिफरेंट एल्किल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बर्तन में एक नहीं बल्कि मिक्सचर ऑफ एल्केन प्राप्त होता है। बोलो क्या प्राप्त होता है? मिक्सचर ऑफ एल्केन विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। अभी अभी आपको मालूम था कि इनके बॉइलिंग पॉइंट काफी क्लोज होते हैं इसलिए इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। यही कारण है कि अगर तुमने अनसिमिट्रिकल एल्केन बनाने का प्रयास किया तो ना तुम्हें अनसिमिट्रिकल मिलेगा और ना तुम्हें बच्चों सिमिट्रिकल मिलेगा। तुमने पूरे पैसे की बर्बादी कर दी। इसीलिए वुड्स रिएक्शन से हम लोग कभी भी अनसिमिट्रिकल एल्केन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बनाने का प्रयास नहीं करते। अदरवाइज पैसों की बर्बादी होती है और हमें मिक्सचर ऑफ एल्केन प्राप्त होता है। क्लियर बेटा? अच्छा, तो उम्मीद करते हैं आपको विट्स रिएक्शन समझ में आया। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, टर्शरी एल्किल हैलाइड वुड्स रिएक्शन नहीं देता है, आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव होगा, सिमिट्रिकल एल्केन बनते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन बनते हैं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन नहीं बन सकते, प्रोपेन पेंटेन हेप्टेन नोनेन नहीं बन सकते। ओके, अच्छा, अब इसी पॉइंट पर, सिमिट्रिकल वाले इसी पॉइंट पर एक क्वेश्चन भी आता है वुड्स रिएक्शन के ऊपर। सवाल कुछ बच्चों ऐसा होता है कि हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, हमने इसका वुड्स कराया और एल्केन इन्होंने बना दिया। जैसे आपकी कॉपी में जो एग्जांपल लिखा है ये क्वेश्चन बच्चों पूछते हैं, बताइए ये एल्किल ब्रोमाइड क्या होगा। अब सुनना, हमें मालूम है कि वुड रिएक्शन से हम लोग सिमिट्रिकल एल्केन बनाते हैं। मतलब RX प्लस RX, RR को जोड़ देते। तो अगर जो सिमिट्रिकल एल्केन बना, अगर उसको मैं 20 से काट दूं तो ये दोनों जो एल्किल ग्रुप होंगे वो R को डिनोट करेंगे। समझिएगा मेरी बात। आप जरा इसका चित्र बनाइए। चित्र बनाना IUPAC में सिखाया है। यही तो, ये चूंकि ये वुड रिएक्शन से बन रहा है इसीलिए ये सिमिट्रिकल होगा और 20 से अगर आप काटोगे तो आप देखिए दो बराबर भागों में कट गया। और ये आपको क्या डिनोट कर रहे हैं? R। ये वही R है एल्किल हैलाइड वाले जिनको आपस में आपने जोड़ दिया था। तो अगर इस R पर हम हेलोजन लगा दें तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, ये एल्केन किस एल्किल हैलाइड से बना होगा? ये एल्केन इस एल्किल हैलाइड से बना होगा, दैट इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड।
आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड से ये एल्केन प्राप्त हुआ होगा। कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं, सर आपने इसी कार्बन पे हेलोजन क्यों जोड़ा? अरे मेरे भाई, जब यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, 20 से आपने इसको काटा, तो इसी कार्बन की तो वैलेंसी फ्री हुई, उसी फ्री वैलेंसी पर हम हेलोजन को लगा देते हैं और एल्किल हैलाइड बच्चों हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको वुड्स रिएक्शन समझ में आया होगा। चलिए, आफ्टर बच्चों वुड्स रिएक्शन, अगला पॉइंट है फ्रैंकलिन रिएक्शन। कुछ नहीं, फ्रैंकलिन रिएक्शन में कोई नया पॉइंट नहीं है। फ्रैंकलिन रिएक्शन में बस इतना ही है कि वुड्स में आपने लिया था सोडियम मोनोवेलेंट मेटल, फ्रैंकलिन में लेते हैं जिंक डाइवेलेंट मेटल। बस मोनोवेलेंट अगर लोगे तो दो सोडियम लेने पड़ रहे थे, बाइवेलेंट लेने पर एक जिंक से ही काम बन जाता है। और इस प्रकार से सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिए, यहां पर भी देखिए कपलिंग हो रही है। अगर इसके पास n कार्बन है तो इसके पास बच्चों कितने कार्बन है? 2n। बिल्कुल वुड्स के तरीके फ्रैंकलिन होता है, इससे भी हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सारी कंडीशन वही है जो वुड्स वाली। इसे कहते हैं बच्चों फ्रैंकलिन रिएक्शन। तीसरा बच्चों रिएक्शन है कपलिंग में कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस, हां ध्यान रखिएगा, ये बच्चों एक ऐसी कपलिंग रिएक्शन है फॉर बोथ सिमेट्रिकल ऑब्लिक अनसिमेट्रिकल एल्केन। कोरे हाउस सिंथेसिस से हम सिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं। यहां पे बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं R2CuLi डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट और इसे मोहब्बत में गिलमंस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। गिलमंस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है और बेटा ये भी ग्रिग्नोर्ड रिएजेंट के तरीके न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है, आर माइनस का सोर्स होता है। जब इस डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट की रिएक्शन हम लोग एल्किल हैलाइड से कराते हैं, बच्चों बोलो किससे? एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो देखिए बेटा क्या होता है यहां पर, यहां पे डैश कर दे रहे हैं, होगा क्या, गिलमेंस का आर पकड़ लो और एल्किल हैलाइड का आर पकड़ लो और दोनों को बेटा जोड़ दो, इस प्रकार से आपको एल्केन प्राप्त हो जाएगा। अगर ये दोनों आर सेम है तो ये सिमेट्रिकल एल्केन होगा और अगर ये दोनों आर डिफरेंट है तो ये अनसिमेट्रिकल एल्केन होगा। साथ में आर सी यू उधर अलग हो जाएगा और एल आई एक्स जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कोरे हाउस सिंथेसिस। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं। इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जो एल्किल हैलाइड होता है मस्ट बी प्राइमरी। गिलमेंस का आर आप कुछ भी ले ले, गिलमेंस का आर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एल्किल हैलाइड का आर जो होना चाहिए इट मस्ट बी प्राइमरी फॉर गुड यील्ड ऑफ रिएक्शन। ये कंडीशन है कोरे हाउस सिंथेसिस की, एल्किल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होना चाहिए और गिलमेंस का आर बच्चों कुछ भी हो सकता है। तो गिलमेन के आर को पकड़ो, एल्किल हैलाइड के आर को पकड़ो,
दोनों को जोड़ दो, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, जैसे कोरे हाउस पर एक एग्जाम्पल, ने पूछा है बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेरी सिंपल। आप डाई एल्काइल लिथियम क्यूपेड को देखकर यह समझ चुके हैं कि दिस इज ए गिलमेंस रिएजेंट, और अगर यह गिलमेंस रिएजेंट है तो यह कौन सी रिएक्शन होगी, कोरे हाउस सिंथेसिस। एल्किल हैलाइड के एल्किल को पकड़ो, गिलमेंस के एल्किल को पकड़ो, सेकेंडरी प्रोपाइल, दोनों को जोड़ दो, आपका एल्किन बन गया। अब कोई बच्चा ये सोच रहा हो सर ये सेकेंडरी प्रोपाइल क्या होता है, तो बेटा ये गलत बात है, आईयूपीएसी में आपने पढ़ा है, इथाइल को खोल दो, ये सेकेंडरी प्रोपाइल, ये देखो बच्चों सेकेंडरी प्रोपाइल है और ये क्या है बेटा इथाइल है। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, आप आईयूपीएसी नाम करेंगे तो वो भी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, इट इज 2-methyl-butene। ओके, तो आप उसके आगे लिख लीजिए 2-methyl-butene। इस प्रकार से हम लोगों ने एल्किल हैलाइड से एल्केन को बनाना सीखा, पहला वाया ग्रिगनॉड रिएजेंट, दूसरा वाया डायरेक्ट रिडक्शन, तीसरा कपलिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में सोडियम था, फ्रैंकलिन रिएक्शन में जिंक था, और कोरे हाउस सिंथेसिस में गिलमंस रिएजेंट था। ओके, वुड्स और फ्रैंकलिन से आप सिर्फ सिमिट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, जबकि कोरे हाउस सिंथेसिस से आप सिमिट्रिकल और अनसिमिट्रिकल दोनों एल्केन बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड के एल्किल को पकड़ो, गिलमेंस के एल्किल को पकड़ो, दोनों को जोड़ दो, आपका एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चला। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाना आपने सीख लिया, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना आपने सीख लिया, अब हम लोग किससे बनाएंगे, अल्कोहल से, कार्बोनिल से, एसिड से बनाएंगे। सुनना, सबसे पहले मैं एक जनरल तरीका आपको बताना चाह रहा हूं। एल्किल हैलाइड के आगे जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, हम उनसे एक डायरेक्ट एल्केन बनाना आपको सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम ऑक्सीजन कंटेनिंग, यही हेडिंग भी पड़ी होगी, हाँ, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग यहां पे कराएंगे रिडक्शन ही कराना है, विद द हेल्प ऑफ बच्चों रेड फास्फोरस प्लस एच आई। रेड फास्फोरस प्लस एच आई सभी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को एल्केन में बच्चों रिड्यूस कर देता है, इसीलिए इस रिड्यूसिंग एजेंट का मैंने नाम दिया है एल्केन प्रेमी। किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में आप यदि इसको डालोगे तो आपको एल्केन प्राप्त होगा। ध्यान दी सब लोग जरा।
एक एग्जांपल करा दिया क्लिमेंशन और वुल्फ-किशनन में, और कंपैरिजन करवा दिया एल्केन प्रेमी रेड फास्फोरस प्लस एचआई के साथ। अच्छा भाई एक एग्जांपल और भी लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है आइए वो एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए लिख लिया बेटा आपने, हटा दे। आइए अगले बेटा एग्जांपल लिखा हुआ है ये, चलिए ये एग्जांपल SW है आप करके लाइएगा। ये SW है आप करिएगा, ठीक है सोचिएगा इसमें आपको सोचना है, इसमें यहां पे थोड़ा सोचना है, यहां पे कुछ नया होगा कहिए तो बता दें। रेड फास्फोरस प्लस HI है, दूसरा वुल्फ-किशनर है और तीसरा क्लिमेंसन है। रेड फास्फोरस प्लस HI इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, ये मिलेगा। वुल्फ-किशनर कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जैसे ये दूसरों पे प्रभाव नहीं डालता वैसे ये भी दूसरों पे प्रभाव नहीं डालता है, बिल्कुल सही बात है, तो आपने यहां पर भी यही बनाया होगा। बस यहीं पर कुछ सोचना है, आप बताइएगा यहां पे क्या सोचना। ध्यान देना ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। अब आपको ये सोचना है कि यहां पर क्या गलत है, ये आप सोचिएगा। जबकि वुल्फ-किशनर और क्लिमेंशन ये दोनों ही स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर कार्बोनिल ग्रुप, ये दूसरे फंक्शनल ग्रुपों पे कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, फिर यहां पर ये सवाल सही है, यहां पर ये सवाल गलत है, क्या गलत है? हिंट दे रहे हैं इसका मीडियम है बेसिक और इसका मीडियम है एसिडिक। हिंट दे दिया है, अब मुझे बताइएगा इसका सही प्रोडक्ट क्या होगा। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आपने पढ़ी होगी कायदे से तो आप बताएंगे कि ये क्यों गलत है और इसका सही क्या होगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, अब पांचवा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑफकोर्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाना सीख गए, एल्किल हैलाइड से बनाना सीख गए, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से बनाना सीख गए, कार्बोनिल कंपाउंड से दो स्पेशल रिडक्शन देखे क्लिमेंसन और वुल्फ-किशनर वो भी सीख गए। अब हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने के बच्चों दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए सब लोग, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन कराने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडा लाइम NaOH+CaO। बहुत ही आसान है कराना, कुछ मत करिए, ज्यादा अपन को अंदर नहीं जाना है मैकेनिज्म में। सिंपल आप ये समझिए, ये CO2 आपने निकाल दिया और RH का फॉर्मेशन हो गया। मतलब अगर एसिड के पास कार्बनों की संख्या हो बेटा N, तो एल्केन के पास कार्बनों की संख्या होगी N-1। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन का यूज करते हैं फॉर डिसेंडिंग द सीरीज। फॉर डिसेंडिंग द सीरीज
प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या कम करने के लिए हम डीकार्बोक्सिलेशन का यूज करते हैं। ध्यान से बस देखिएगा, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट बच्चों को ऐसे पढ़ा देते हैं कि CO2 को हटाइए और एक कार्बन कम का एल्केन बना दीजिए। अब सुनना, ठीक है, एक्चुअली में होता क्या, अगर आप बात करें होता क्या है, तो ये जो RCOOH है ये NaOH से ट्रीट करके सर्वप्रथम बनाता है RCOONa, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट। अब ध्यान से सब सुनना बेटा, RCOONa क्या करेगा, ये देखिए Na2CO3 अलग हो गया और ये वाला H जो है वो यहां पर आया और एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो, मैं अपने स्टूडेंट से ऐसे कहता हूं, चाहे एसिड दिया जाए चाहे उसका सोडियम सॉल्ट दिया जाए, अगर तुम्हें सोडा लाइम दिखाई पड़ जाए दिमाग मत लगाओ, एक कार्बन कम का एल्केन बना दो, दैट्स इट। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक कार्बन कम का एल्केन बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला CO2 या कार्बोक्सिलिक सॉल्ट वाले CO2 को हटा दीजिए और एक कार्बन कम के एल्केन को बना दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों, यस, आपकी कॉपी पे एग्जांपल लिखा है, बेंजोइक एसिड हो या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने भी COOH लगे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने सोडा लाइम डाला है तो ये सारे के सारे CO2 हम उड़ा देंगे और अपने एल्केन को बनाएंगे, यहां पर एल्केन है बेंजीन। फॉर डिसेंडिंग द सीरीज इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी अभी बताया वही इसमें लिखा हुआ है। तो डी कार्बोक्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम फॉर डिसेंडिंग द सीरीज, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे उसका सोडियम सॉल्ट हो, CO2 वाले C को हटाइए और एक कार्बन कम के एल्केन को बना दीजिए। ठीक है, जब भी बच्चों में ये डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ाता हूं, आपकी कॉपी पे सब लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा, Na2CO3 को हटाते हुए दिखाइएगा, दैट्स इट। ठीक है, एक बच्चों में यहां पे पॉइंट लिखवाता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीटा कीटो एसिड, फंक्शनल ग्रुप बगल वाला अल्फा उसके बगल वाला बीटा, बीटा कीटो एसिड बेटा डीकार्बोक्सिलेशन के लिए इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको मात्र आप गर्म कर दीजिए, मात्र आप गर्म कर दीजिए और ये CO2 बच्चों निकल जाता है और इस प्रकार से एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ऑफ कोर्स अब ये एल्केन नहीं कीटोन होगा, लेकिन मैं इसको देख के नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको देख के अगर बोलूं तो एल्केन बन गया। तो बीटा कीटो एसिड इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको सोडा लाइम की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली गर्म कर दीजिए और डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन में पढ़ाने को टीचर्स बहुत कुछ पढ़ाते रहते हैं, मैं भी बहुत कुछ पढ़ा सकता हूं, कार्बेनाइन मैकेनिज्म दिखा सकता हूं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखा सकता हूं, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाकर भी डीकार्बोक्सिलेशन को सिखाया जा सकता है, लेकिन उन सब का कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं क्यों आपको ये सब बताऊं फर्जी का। सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम एक पॉइंट ये याद रखना है और बीटा कीटो एसिड एक पॉइंट ये याद रखना है, यहां पे सोडा लाइम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब जब भी मैं ये डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ाता हूं, आपकी कॉपी पर पेज नंबर 9 खाली पड़ा होगा, वहां पे बच्चों में एक सवाल इसी के ऊपर करवाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए,
ये क्वेश्चन आया, बताइए क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आया। चलिए आपको मैं बताना चाहूंगा, अक्वस क्योवेच एल्कोहलिक क्योवेच नहीं, जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराए, ये अक्वस क्योवेच है, सोर्स ऑफ ओवेच माइनस, ये सब्स्टिट्यूशन कराएगा, जहां जहां सीएल वहां वहां ओवेच। समझ गया मेरी बात? जब आपने इसके ऊपर अक्वस क्योवेच डाला, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, इलिमिनेशन नहीं करा सकता बच्चों, इलिमिनेशन के लिए एल्कोहलिक क्योवेच चाहिए होता है। ये बना एक ही कार्बन पर दो ओवेच, अनस्टेबल, क्या होगा, वाटर इलिमिनेट होगा। ये देखिए, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, दोनों ने अपनी फ्री वैलेंसी को मर्ज कर लिया और ये कीटोन में बदल गया। तो अक्वस क्योवेच ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, अनस्टेबल जेम डाइऑल बना, वाटर इलिमिनेट हो गया और कीटोन बन गया। पहले वाला काम जब किया तो ये प्रोडक्ट बना। अब इन्होंने गर्म कर दिया, बच्चे सोचते हैं गर्म करने पे क्या हुआ, देखिए सी डबल ओएच, बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, एक्चुअली दिस इज बीटा कीटो एसिड, इसको जब आपने गर्म किया होगा तो एक्चुअली में डी कार्बोक्सीलेशन हो गया होगा और हमको प्राप्त होगा साइक्लोहेक्सेनोन। This is the final product. Okay, this is your answer. Okay, तो चलिए बेटा आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, मैं प्रयास करूंगा ये वीडियो आपको कल दोपहर तक मिल जाए। कल दोपहर तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा, इसको आप कवर कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स तो बने बनाए, जो लिख रहा था वो आपने लिख लिया, इस नोट्स को आप दो बार पढ़ेंगे रफ कॉपी पे लिखकर। मैं प्रयास करूंगा शाम के 6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक इसका रिमेनिंग पार्ट भी आपको दे दें। 6 से 7 बजे तक इसका रिमेनिंग पार्ट भी हम आपको दे देंगे, तो कल ही एल्केन आपका पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि संडे के टेस्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम और एल्केन आ रहा है। ओके बच्चों, उम्मीद करेंगे आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके बेटा, थैंक यू।